आज हम बनाएंगे कुछ हेल्दी स्पेशल टेस्टी सा नाश्ता। जब कुछ मज़ेदार और हेल्दी खाना हो तो फ्रेंड्स बनाइए सिर्फ दो बूंद तेल में ढेर सारी सब्जियों के साथ टेस्टी वाला नाश्ता। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार तो हो ही जाता है, और ये नाश्ता एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ऑयल फ्री स्नैक्स है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल ज्योति रेसिपी। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही नए नाश्ते की रेसिपी आप लोगों के लिए मिलती रहेगी फ्रेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है एक कप भरकर सूजी। तो फ्रेंड बारीक सूजी अगर हो तो मिक्सी के जार में ग्राइंड नहीं करना है, अगर मोटी वाली सूजी हो तो प्लीज़ ग्राइंड कर लीजिएगा। इससे नाश्ता हमारा बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। यहाँ पे देखिए मैंने आधा कप ले लिया था दही, और आधा कप हम ले लेंगे उसी के अकॉर्डिंग पानी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि सूजी दही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मिक्स करने के बाद इसे हम ढक कर रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। इससे हमारा नाश्ता काफ़ी परफेक्ट और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है दो उबले हुए आलू। इसे मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ, आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो क्या करना है, इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ चटपटे मसाले डाल देते हैं ढेर सारे सब्जियों के साथ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑनियन। तो ऑनियन देखिए फिर जितना है उसका आधा ही हमें डालना है। तो मैंने दो मीडियम साइज़ का ऑनियन को चॉप किया हुआ है। तो सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जितने सारी सब्जियों के साथ आप बनाएंगे उतना ही ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गाजर भी ले लिया है। तो जितना भी आप वेजिटेबल्स डालें तो उसका आधा ही डालिएगा और आधा साइड में रख लीजिए। इसे क्या करना है मैं आगे बताती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए शिमला मिर्च भी मैंने ले लिया है, और यहाँ पर मैंने टमाटर भी काट लिया है। अब इसे भी हम आधा ऐड कर देंगे। अब साथ ही इसमें हम डाल देते हैं तीखे के लिए हरी मिर्च डाल दिया है मैंने, दो से तीन हरी मिर्च आप ले सकते हैं तीखे के अनुसार। अब इसमें फ्रेंड्स अमचूर मसाला पाउडर ज़रूर डालिएगा या फिर नींबू का रस। इससे हमारा ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनकर तैयार होता है, और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है जब ये थोड़ा सा खट्टेपन में आता है। तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा आधा चम्मच जीरा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है सांभर मसाला पाउडर। जी हाँ फ्रेंड, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है, इसीलिए आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी सब्जियों के साथ इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस नाश्ते में बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये मसाले, बहुत ही ज़्यादा चटपटा और फ्लेवर का बनकर तैयार होता है। इसलिए फ्रेंड आप पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ना हो तो सांभर मसाला ऐड कर दीजिएगा। देखिए अब यहाँ ढक कर उसे मैंने साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर अच्छे से 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं बैटर चेक कर लेती हूँ। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फूल कर ये तैयार हो चुका है। तो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से ये पानी को एब्जॉर्व कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड इसमें अब हम डाल देते हैं जो वेजिटेबल्स मैंने निकाल के रखे थे, तो सारी वेजिटेबल्स को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें देखिए टमाटो, ऑनियन, बीन्स, साथ ही इसमें हम कैरेट भी डाल देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं डाल देती हूँ ऑनियन। तो इन सारी सब्जियों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग जो आपको मनपसंद की सब्जियाँ हो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से नमक कम यूज़ किया है, क्योंकि हमने स्टफिंग में भी ऐड किया था। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा। जी हाँ फ्रेंड, बेकिंग सोडा आप ज़रूर डालिएगा, इससे नाश्ता हमारा काफ़ी फूला फूला बनकर तैयार होगा, बाकी सॉफ्ट भी होगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं ताकि अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स इसी तरह हमें कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसे हम फटाफट बनाना शुरू कर देंगे। तो इसे हमें लाइटली हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ सेकेंड के लिए। अब देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम ले लेंगे कटोरी। तो जी हाँ फ्रेंड, मैं कटोरी दिखा दे रही हूँ। देख सकते हैं कौन सा भी आपके घर में जो भी शेप का कटोरी हो आप कौन से भी कटोरी में बना सकते हैं। बिल्कुल ऑयल फ्री और इतना टेस्टी हेल्दी नाश्ता है फ्रेंड्स कि जब भी आपका मन करे बिना तेल का कुछ चटपटा सा खाना हो तो आप ये नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए इसके दीवाने हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कहा था कि दो बूंद तेल से ही बनाना है, तो जी हाँ फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ऑयल को आपको ग्रीस करना है और बिल्कुल तेल नहीं डालेंगे हम इसमें।
तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इसे ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा बैटर इसमें चिपके बिल्कुल भी ना। तो कौन सी भी कटोरी बड़ी हो या फिर छोटी हो आप ले सकते हैं। तो मैं सारी कटोरियों में आपको दिखा दे रही हूँ कि आपको कैसे बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए इसी तरीके से हमें दो दो चम्मच सब में बैटर को अच्छे से डाल देना है, ज़्यादा हमें एक साथ नहीं भरना है। अब इसे पहले डालने के बाद मैं इसके आगे का बताऊँगी इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख लिया है, कढ़ाई में हम डाल देते हैं एक जाली वाला बर्तन। तो देखिए फ्रेंड आपके पास कौन सा भी पतला या जाली वाला बर्तन हो तो आप ले सकते हैं, उसमें सारी कटोरियों को आपको रख देना है। और रखने के बाद इसे हम ढक कर ज़्यादा नहीं सिर्फ दो मिनट के लिए ही ढक, दो मिनट बाद हमें इसे वापस से चेक कर लेना है ताकि हमें पता चले कि हमारा बैटर काफ़ी अच्छे से बन रहा है या नहीं। दो मिनट हो चुके हैं तो चलिए फ्रेंड इसे मैं चेक कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर ये तैयार हो चुका है और काफ़ी अच्छे से ये फूल गया है। अब इसके ऊपर हमें डालना है स्टफिंग, जो हमने आलू का ये बना के रखा था स्टफिंग, उसे हमें थोड़ा सा प्रेस करके इसे फैला लेना है अच्छे से पतले लेयर में, और इसे हम अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। गीला रहता फ्रेंड बैटर तो ये अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता। अब अच्छे से फूल गया नाश्ता तो इसे हम अच्छे से प्रेस भी कर सकते हैं। इसी तरह हमें चारों में डाल देना है और साइड साइड से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से आलू चिपक जाए। इस तरीके से देखिए मैंने चारों में अच्छे से डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे वापस से जो मैंने बैटर रखा था उसको भी डाल देते हैं। इस तरीके से नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। ये नाश्ता जब भी आप ट्राई करेंगे ना, यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये ऑयल फ्री नाश्ता है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से मैंने तीनों में अच्छे से फैला दिया है। और एक नाश्ते को मैं बताऊँगी फ्रेंड ऐसे ही रहने देना है और कैसे इसे खाना है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए फ्रेंड इसे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि अच्छे से ये स्टीम हो जाए। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं, और डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऊपर लाल मिर्च पाउडर, इसे देखने का लुक और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी तरीके से देखिए मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसे ढक कर हम रख देंगे ताकि 10 मिनट में काफ़ी अच्छे से स्टीम हो जाए। तो 10 मिनट के लिए आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि हमारा नाश्ता कैसा बनकर रेडी हुआ है। देख सकते हैं वाओ, बहुत ही परफेक्ट एकदम फुला फुला सा नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। तो देख रहे हैं कितना टेस्टी लग रहा है, देखने में ही खाने में ही उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए अभी गर्म है फ्रेंड, इसे मैं प्लेट में रख लेती हूँ। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है, वरना ये जब हम निकालेंगे बाउल से तो ये फटने लगेंगे, इसलिए हमें पहले अच्छे से ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे पंखे के नीचे मैंने रख दिया था इसे 15 मिनट के लिए, काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे से ये छोड़ने लगा है। तो नीचे के साइड फ्रेंड थोड़ा सा मैं नाइफ कर देती हूँ इसे अच्छे से मिलाने के लिए, ताकि इसमें जो भी थोड़े बहुत चिपके हों तो ये आसानी से निकल जाए और बिल्कुल भी ये क्रैक्स ना हो। अब चलिए मैं इसे निकाल के देखती हूँ। और ये वाला जो देख रहे हैं फ्रेंड, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो चुका है। इसे मैं आपको बाद में बताती हूँ इसे क्या कैसे खाना है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारा ये नाश्ता तैयार हो चुका है। तो देख रहे हैं कितना टेस्टी अमेजिंग सा नाश्ता है। तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है फ्रेंड, और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चों हो या फिर बड़े हो, इस नाश्ते को आप आसानी से बच्चों को भी खिला सकते हैं, और बड़ों को जिसे ऑयल फ्री नाश्ता खाना हो तो ये नाश्ता बना सकते हैं। तो बिल्कुल झटपट से 10 मिनट में आप ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे कट करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी हमारा नाश्ता ये तैयार हो रहा है, वाओ। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये रेसिपी बनाने में। आप बार बार ऐसी ही रेसिपी बनाना चाहेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, ऐसे ही नए नए नाश्ते की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन ऐसे नए नए नाश्ते की रेसिपी जब मैं सेंड करूँ तो आपको मिल सके। तो इसी तरह से बनाइए फ्रेंड्स, इन्जॉय कीजिए। कैसी लगी आज की रेसिपी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं उसे भी ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी के साथ फ्रेंड देखिए साइड में कटोरी वाला था, ऐसे ही डायरेक्टली इन्जॉय कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है।
ऐसे ही हमें इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव।